दोस्तों आज मैं आप लोगों को भारत के कुछ अजीबोगरीब रेलवे स्टेशन के नाम बताऊंगा जिसे आपने कभी भी नहीं सुना होगा ऐसा नाम। वैसे भारत दुनिया का चौथे नंबर का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क वाला देश है। पहला दूसरा तीसरा में अमेरिका, चाइना और रूस हैं। आपको बता दें कि भारत में रेलवे स्टेशन की कुल संख्या 7000 और 8500 के बीच अनुमानित है। तो उनमें से कुछ ऐसे स्टेशन हैं जिनके नाम इतिहास में दर्ज हैं, वहीं कुछ रेलवे स्टेशन के नाम इतने अजीब हैं जिसे सुनकर आपकी हंसी भी छूट सकती है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हलकट्टा रेलवे स्टेशन, यह स्टेशन कर्नाटका राज्य में आता है। कर्नाटका के वाड़ी शहर स्थित यह रेलवे स्टेशन शिवालाल नगर के बीच में मौजूद है। यहाँ से रोजाना कई ट्रेनें गुजरती हैं। यहाँ का इलाका काफी हरा भरा और जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ काफी लोग आना जाना पसंद करते हैं। क्या आप आना जाना पसंद करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। कामागाटा मारू बजबज रेलवे स्टेशन, बजबज शाखा लाइन पर कोलकाता उपनगरीय रेलवे स्टेशन है। यह भारतीय रेल का पूर्वी रेलवे क्षेत्र में सियालदह रेलवे डिवीजन के आधिकारिक क्षेत्र में है। यह पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में बजबज के स्थानीय क्षेत्र में काम करता है। टीटवाला रेलवे स्टेशन, यह रेलवे स्टेशन मुंबई के सेंट्रल लाइन का स्टेशन है। कल्याण और कसान के बीच मार्ग पर स्थित है यह स्टेशन। अम्बीवाली रेलवे स्टेशन पिछला पड़ाव है, जबकि खाड़ीवाली रेलवे स्टेशन इसका अगला पड़ाव है। ये रेलवे स्टेशन आज़ादी से पहले से बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज़ादी से पहले ही इसका निर्माण हो गया था। इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1926 को ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। फफूंद रेलवे स्टेशन, यह रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में स्थित है और इसका कोड PhD है, मानो कोई पढ़ाई किया हो PhD। यह भारत का एक ए ग्रेड यानी कि एस श्रेणी का स्टेशन है। यह औरैया जिले और दिव्यापुर जिले में कार्यरत है। यह स्टेशन भी ब्रिटिश शासन के दौरान ही निर्मित है और उत्तर मध्य रेलवे द्वारा संचालित होता है यह स्टेशन। यहाँ 5 ट्रैक और 4 प्लेटफार्म है। यह प्रयागराज रेलवे डिवीजन के कानपुर दिल्ली खंड पर मुख्य सेवारत रेलवे में से एक है। तो दोस्तों आपको कौन सा स्टेशन मजेदार लगा, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।